टीकमगढ़ में एक नाबालिग बच्ची ने अपने दो रिश्तेदारों पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। इस मामले की शिकायत किए जाने से नाराज आरोपी पीड़िता को समझौता करने के लिए धमका रहे हैं। एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। मामला ग्राम मानेपुर का है, जहां एक नाबालिग ने एसपी को दिए शिकायती आवेदन में कहा है कि कुछ दिन पहले ही रात 11 बजे उसके करीबी रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे, जिनका नाम विनोद चढ़ार और नीरज चढ़ार बताया। थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों चले गए और दोबारा रात में आए, जहां मुझे कुछ सुंघाकर गांव के स्कूल ले गए। उसके बाद इन लोगों ने बारी बारी से गलत काम किया। जब मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढते हुए स्कूल आए, तब मैं वहीं थी। होश आने के बाद मैंने सारी घटना अपने माता पिता को बताई। घटना के बाद डायल 100 को सूचित किया गया और थाने में पूरी घटना बताई, लेकिन इसके बाद भी ना कोई शिकायत दर्ज हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही मेरा मेडिकल कराया गया। वहीं आरोपी समझौते को लेकर परिवार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। नौ दस ग्यारह ही बज गए थे जी। और तो जब ये लोग आए, दो जने आए, सुकन लगे हम बारात में आए। कौन थे वो दो लोग? मुझे वैसा थे, हाँ, हमारी समाज वाले। सुबह समय तना दस पाँच ही दस मिनट बैठे हमारे लगा, हाँ, और बोले कल दादा तुम्हें नींद नहीं आ रहे। तो हम नहीं पाए, हम तो जब चार सो ले तुम्हें कह लेंगे। हाँ, तो बस उनने जो कुछ करा हम सब फिर महाराज इतनी नींद आई, हम फिर कल्ला के अब तो हम जा रहे हैं। तो भी उठ के भाग गए, गाड़ी ले गए और चले गए। अब बस हम सो गए। अब बस इतना दस पंद्रह मिनट बाद देखो तो नाटन नहीं जाए था, तो हमें होश तो हुआ इतना, तो नाटन नहीं जाए था हम भागे। तो बस भी हम स्कूल के पास चिल्ला मिली और मेरे पास ये पीड़िता लड़की आई, 14-15 वर्ष की है, इसका 2006 का जन्म है जी। और ये मानिकपुरा की रहने वाली है जी। और इसने हमें बताया कि रात को दो व्यक्ति आए थे, जो इनके दूर के कोई मोहल्ला वालों के रिश्तेदार लगते हैं जी। तो इसको कुछ सुंघा दिया और उसके दादा को सुंघा दिया, तो दादा बेहोश हो गए, इसको उठा ले गए और बारी बारी से रात भर अस्पताल स्कूल में जाके इसके साथ रेप हुआ। और फिर जे सुबह से इसने वो जैसे रात में इनके दादा ने ढूंढा तो रोती हुई स्कूल के पास मिली। फिर ये लोग पूरे परिवार के साथ माता पिता और दादा और लड़की कोतवाली टीकमगढ़ में रिपोर्ट डालने आए। सुबह से 6 बजे पहुँच गए थे, तो ये पूरे दिन बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी आज इन लोगों ने बताया है कि कोतवाली से फोन आ रहा है किसी का कि मतलब राजीनामा कर लो, वो विरोधी पार्टी है तो कोई वहाँ के सरपंच स्थानीय नेता जो भी है उनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ना एफआईआर हो रही है ना इस लड़की की डॉक्टरी हुई है। ये कितनी पीड़ित रही, कितना इसको अंदरूनी तकलीफ हुई है, नाबालिग लड़की है, जबकि प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी टीकमगढ़ को चाहिए था कि इनका डॉक्टरी मेडिकल परीक्षण करवाते, एफआईआर करवाते। हमारे साथ बहुत बदतमीजी से हुआ है। कब? ये 20 तारीख की रात में। कितने बजे? लगभग 12 बजे की थे। कौन थे वो लोग जिन्हें घटना घटी? सर वो हमारे मामा थे और भैया थे। क्या नाम है उनके? वो मतलब वो एक का नाम था विनोदी, हाँ, और दूसरे का नाम था नीरज। नीरज वो आपके सगे रिश्तेदार हैं? सगे रिश्तेदार हैं क्या? दूर के हैं? मतलब मोहल्ला के थे, बगल के। हाँ हाँ, तो आपको आप वो घर से कहाँ ले गए थे? वो हमको घर से ले गए थे मानकपुरा में, सर एक स्कूल है वहाँ पर। जब इस संबंध में एडिशनल एसपी एमएल चौरसिया ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इन्होंने अभी कहा है, अभी हम जो है आवेदन भिजवा रहे हैं, उसकी जांच होगी और जो भी होगा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप
देख रहे हैं दखल न्यूज।